हम सबके लिए फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा में रहा, बिकॉज आई रियली रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा। आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज़ वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हर चीज़ में इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या, बट वो स्टोरी लेवल से ही शुरुआत से फर्स्ट डे से जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े हैं वो वाली फीलिंग है और वो फीलिंग कभी गई नहीं। तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच्ड होते हैं कोई ना कोई चीज़ से, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है जब वेन यू आर रियली अटैच टू समथिंग एंड यू फील दैट दिस इज प्रेशियस एंड दिस शुडंट यू नो दिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो वो हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं आपस में सबकी होती है, मतलब किसी ना किसी और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है विच इज़ अनरियल फॉर अ फिल्म। आई थिंक ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू और कथा की कहानी में मिला है। बट शरीन यू मस्ट हैव केप्ट देम वेरी हैप्पी।